कट करके जीडीयू में आया, तो इसमें जीतने के लिए आपको कुछ चुनौती लग रहा है कि जो? कोई चुनौती नहीं है, दूर दूर तक यहाँ जनता बनाम पार्टी है। जब भी जनता किसी लड़ाई को अपने हाथ में लेती है तो बड़ी बड़ी सत्ता धराशायी हो जाती है, या अपोजिशन की क्या विशाल। अभी शिवहर की जनता का फैसला है, देश का मिजाज इधर है, शिवहर का मिजाज उधर है। आपको लेकर के विरोधी बार बार मुद्दा उठाते हैं, बाहुबली उनके आका भी मुद्दा उठाए थे आज से 28 साल पहले, सेल में डाल के लांछन लगा के आरोप लगा के, और हार चुके हैं। घिसी पिटी बात का क्या जवाब देना है? अब चेली आई, उनके आका हार चुके हैं इस सवाल पर रेफरेंडम करवा के। शिवहर की महान जनता ने सिर्फ मेरा पर्चा आया, मैं स्वयं भी नहीं आया था, पर्चा को शिवहर की जनता ने चुनौती माना। हर प्रखंड में टोला टापर में हेलीकॉप्टर उतार करके उस समय का मुख्यमंत्री जो है ना, यही चिल्लाते रहे जो इनकी याद चेली चिल्लाती है, और शिवहर की जनता ने करारा जवाब दिया। लाखों मतों से एक बार नहीं, दो दो बार आनंद मोहन को भेजा, तीसरी बार ये मशक्कत करके बेईमानी करके 917 वोट से हमको हराने में कामयाब रहे। आज मैं बाहर हूँ, आज केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, और जो भी आरोप प्रत्यारोप है उसका प्रत्यक्ष जवाब देने के लिए आनंद मोहन आज बाहर है। बैस वोट में सिंहवाड़ी में कोई सिंहवाड़ी नहीं, एक दिवा स्वप्न लोग देख रहे हैं, देख लीजिएगा 95% वैस उसको वोट नहीं करेगा जिसके राज्य में वैश्यों का सबसे ज़्यादा कत्लेआम हुआ, उसको वोट नहीं करेगा जिसके राज्य में वैश्यों का सबसे ज़्यादा पलायन हुआ, रंगदारी फिरौती कत्ल वसूली जिसका हुआ वो लालटेन लेके आई है समझाने के लिए। वैश्य का नेता अगर कास्टिज्म ही लोग करेंगे तो वैश्य का नेता कौन होगा? नरेंद्र भाई मोदी होंगे, अमित शाह जी होंगे, कि कोई लालटेन वाली आएगी वो नेता हो जाएगा।